नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शकरकंदी उबालने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हो सकता है आप में से कई लोग सोचेंगे कि शकरकंदी तो किसे नहीं उबालना आता, तो मैं कहूँगी कि जिस तरीके से मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो तरीका सभी नहीं जानते। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। शकरकंदी में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, तो हमें सीजन में ये शकरकंदी लाकर ज़रूर खानी चाहिए। तो शकरकंदी उबालने के लिए मैंने शकरकंदी को अच्छी तरह से साफ करके पानी से धो लिए हैं। अब शकरकंदी को हम दोनों किनारे अथवा ऊपर नीचे से थोड़ा थोड़ा काट लेंगे, जो काला पार्ट है वो निकाल देंगे, और बड़े वाले को बीच से भी काट लेंगे तो हमें आसानी होगी कुकर में रखने में। देखिए इस तरह से। तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर एक कुकर रख लिए हैं और कुकर को अभी अभी धोकर रखे हैं। यदि कुकर पूरी तरह से ड्राई हो तो इनमें एक चम्मच पानी पहले डाल लेंगे। अब इनमें डालेंगे एक दो ड्रॉप तेल डालेंगे इनमें, देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और कुकर को इस तरह से एक बार चला लेंगे ताकि जो कुकर में पानी था और तेल जो रखे हैं वो मिल जाए सारे तले में। अब इनमें डालेंगे ये शकरकंदी, और शकरकंदी को भी हम अभी अभी धो कर रखे हैं, तो शकरकंदी में भी कुछ मॉइस्चर है जो कुकर में वाष्प बनाने में हेल्प करेगा। तो अब शकरकंदी को रख लिए हैं, एक बार इस तरह से चला देते हैं और इस तरह से मिला लेते हैं। आप चाहे तो और भी डाल सकते हैं, ये नहीं कि इतना ही डालना है कुकर में एक बार में, और भी डाल सकते हैं। और कवर लगा लेते हैं अब, और गैस को ऑन कर लेते हैं। और कुकर में स्टीम बनने तक फ्लेम हम हाई ही रखेंगे। वैसे कुकर में स्टीम बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम पानी तो डाले नहीं हैं ज़्यादा। तो देखिए बातों बातों में स्टीम भी बन गया है। तो कुकर को इस तरह से एक दो बार चला लेंगे, देखिए इस तरह से। और गैस का फ्लेम अब लो कर लेते हैं, बिल्कुल लो रखेंगे अभी। और इन्हें 2-3 मिनट पकने देंगे हम लो फ्लेम पर ही, 2 से 3 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा पकाना भी नहीं है। एक बार इस तरह से और चला लेते हैं, देखिए बस अब हो गया। अब हम इन्हें 2 मिनट इस तरह से रहने देते हैं, और 2 मिनट के बाद गैस ऑफ कर लेंगे। और कुकर का प्रेशर ख़त्म होने के बाद शकरकंदी को चेक करेंगे। 2 मिनट के बाद गैस ऑफ कर लिए हैं और कुकर को थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर चेक करेंगे शकरकंदी को। तो प्रेशर ख़त्म हो चुका है, देखिए कुकर का। अब हम चेक करते हैं शकरकंदी को। तो एक शकरकंदी इस तरह से हाथ से निकाल कर देखेंगे और दबाएंगे इस तरह से, देखिए। तो ये दब रही है शकरकंदी, हमारी शकरकंदी तैयार हो चुकी है। तो निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो देखिए मैंने सारे शकरकंदियों को निकाल लिए हैं प्लेट में, और इस तरह से शकरकंदी उबालने से बहुत ही टेस्टी और मीठी लगती है शकरकंदी खाने में, इसका मिठास बरकरार रहता है। तो आप इस तरह से शकरकंदी उबाल कर खाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।